हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन तो चलें आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास ट्वेल्व का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर थ्री करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एनसीआर टी इश्यू करती है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन ठीक है मतलब इन सारे क्वेश्चन में एक डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है तो ही ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो चलें शुरू करते हैं अपन यहां पर आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना मतलब इस एग्जाम्पल में आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है तो चले शुरू करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है वो कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर करंट आई है वहां पर मतलब कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर इन द शेप ऑफ सर्कल नो डैट एज द करंट प्रोग्रेस अलोंग द वायर द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी जे चेंजेस इन एन एग्जैक्ट मैनर करेंट आई रिमेन अन अफेक्टेड ठीक है द एजेंट डेट इज एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर एज ठीक है पहले अपन समझते हैं हमारे पास एक करेंट कैरिंग वायर है सर्कुलर शेप में ठीक है यहां पर सर्कल के फॉर्म में इन द शेप ऑफ सर्कल ये देखो ये आपका सर्कुलर शेप में आपका वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ठीक है कितनी वैल्यू का आई वैल्यू का आप बताओ करंट की वैल्यू मतलब करंट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ठीक है अब यहां पर अगर अपन करंट डेंसिटी की बात करें ठीक है तो करंट डेंसिटी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी और करंट डेंसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी होता है तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में होगा आपका करंट डेंसिटी अब आप बताओ करंट अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो आपका हर इंस्टेंट पर करंट की डेंस करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा चेंज होगा मेरी बात को सुनना आपका क्या होता है करंट डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? यहां पर आई इज इक्वल टू लिखते हैं क्या हम लोग जे डॉट ए है नहीं अब मेरी बात को सुनना यहां पर जो करंट डेंसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ठीक है और इसका मतलब एक डायरेक्शन होगा और इसका डायरेक्शन करंट के अलोंग होता है लेकिन आप बताओ सर्कुलर पाथ के अलोंग अगर करंट का फ्लो है तो हर इंस्टेंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब करंट करंट डेंसिटी का डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर क्या होगा चेंज होगा ठीक है तो हर इंस्टेंट पे करंट का डायरेक्शन चेंज होना है मतलब वहां पर मैं यह कहूंगा कि हर इंस्टेंट पर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट डेंसिटी का हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है देखते हैं ऑप्शन देखो सोर्स ऑफ ई एम है क्या या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्जेस क्यूमलेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ वायर क्या यह रिस्पॉन्सिबल है yes, ये रिस्पॉन्सिबल है देखो हर इंस्टेंट पर उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है करेंट है डेंसिटी का हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कोई वेक्टर क्वॉंटिटी ही रिस्पॉन्सिबल होगा और आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डाट जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इनटू ई वेक्टर वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी ठीक है तो अब बताओ यहां पर जो चार्जेस एक्मलेट होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ वायर तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, है कि नहीं तो यहां पर हर इंस्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा चेंज ठीक है आप बताओ अगर मैंने कहा इतना सा इंस्टेंट लेता हूं मैं इतना सा मैंने पोर्शन लिया ये आपका मान लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा अब यहां देखा हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ठीक है तो यहां पर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी ऐसा तो हर इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा जिसकी वजह से हर इंस्टेंट पर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा है कि नहीं तो इसीलिए हम कहेंगे कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इट क्लियर तो बी इज द राइट आंसर इज इट क्लियर तो एक बात याद रखना कि अगर किसी का डायरेक्शन किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है है ना तो वहां पर जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और क्योंकि आपका जे का रिलेशन होता है ई e के साथ ठीक है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगा टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करेंट डेंसिटी इज इट क्लियर ठीक है तो ये था आपका सिंपल बी ऑप्शन अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलें अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है टू बैटरीज ऑफ ई एम एफ ई वन एंड ई टू ठीक है दो यहां पर बैटरी है ई एम एफ ई वन ई टू ये ई वन और ये ई टू एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर वन आर टू रेस्पेक्टिवली आर वन आर टू उसके क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है ठीक है यहां पर बोल रहा है कि ई टू की वैल्यू ई वन से ज्यादा है ठीक है आर कनेक्टेड इन पैरल एज शोन इन फिगर तो ये आपके दोनों सेल पैरल में कनेक्टेड है साफ दिख रहा है आपने को ठीक है ना अब ऑप्शन यहां पर देखो क्या है दू क्यू ऑफ द टू सेल इज बिटवीन ई वन एंड ई टू डाटस ईक्वलेंट ई वन से ज्यादा और ई टू से कम क्या ऐसा होगा मतलब इक्वलेंट ई एम एफ अपन को यहां पर निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो जो इक्वेलेंट ई एम एफ है ई वन से ज्यादा और ई टू से कम है कि नहीं है ठीक है उसके बाद बोल रहे हैं द इक्वल स्मॉलर दैन ई वन मतलब E1 से भी छोटा होगा ई ईक्वेट ठीक है इक्वेलेंट इक्वल टू ई वन प्लस ई टू ऑलवेज ये तो होगा ही नहीं है ना सिंपल सम पैरेलल में नहीं होता इक्वेलेंट अपना ई एम एफ का तो ये तो रॉन्ग ही है ठीक चलो इक्वलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू नहीं आर वन आर टू पर डिपेंड करता है ऑप्शन तो भी रॉन्ग है ठीक है अब एक काम करते हैं अपन निकालते हैं इक्वलेंट ई एम एफ इसका और देखते हैं कि इक्वेलेंट ई एम एफ की वैल्यू आपका ई वन से ज्यादा है ई टू से कम है कि नहीं या ई वन से कम है क्या देखते हैं चलो अभी ध्यान देना आप लोग यहां पर इधर देखो हमारे पास दो सेल हैं, ठीक है हमारे पास दो सेल हैं, एक ई वन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आर वन एक और सेल है ई टू जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर टू ठीक है अब देखो इसका जो इक्वलेंट ई एम एफ होता है उसका फॉर्मूला होता है इक्वलेंट इक्वल टू ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू यह होता है फॉर्मूला ठीक अब एक काम करते हैं यहां देखो ध्यान से मैं काम कर रहा हूं यहां से मैं ई वन कॉमन ले रहा हूं मैं तो अगर मैं ई वन कॉमन लूं तो आप बताओ वन अपॉन आर वन प्लस ई टू बाय बाय आर टू होगा कि नहीं होगा ठीक है अब देखो अपॉन वाली चीज वैसी की वैसी है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू अब देखो यहां पर ध्यान से देखो यहां पर जब मैंने ई वन कॉमन लिया तो ये तो आ गया वन और जो चीज प्रेजेंट नहीं होता अगर वो आपने कॉमन ले लिया है तो उसके डिवीजन में आएगा नहीं ये है ना तो आपने यहां से अगर इवन कॉमन लिया है तो वो इवन इसके डिवीजन में आ जाता है है ना ये सिंपल मैथ्स के नियम है ठीक है अब देखो ध्यान से तुम बताओ ये जो आपका वन अपॉन आर वन है ये भी वन अपॉन आर वन है ठीक है उसके बाद यहां पर वन अपॉन आर टू है और ये ई टू बाईन आर टू है और ये बताओ ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये ग्रेटर देन वन है कि नहीं क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ई टू की वैल्यू e1 से ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू वन से ज्यादा है है कि नहीं और नीचे क्या है ये वन है मतलब ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये ओवरऑल वैल्यू वन अपॉन आर टू से ज्यादा है ठीक इसका मतलब देखो वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर वन और वन अपॉन आर टू और वन अपॉन आर टू से ये बड़ी वैल्यू है इसका मतलब ये वाली जो ओवरऑल वैल्यू है ये इस वाले वैल्यू से ज्यादा होगी है कि नहीं ठीक है तो अब देखो यहां पर ध्यान से यहां पर हम बोलेंगे सिंस वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय ई वन अपॉन आर टू इज ग्रेटर देन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू ना ऑब्वियसली बात है दिख रहा है साफ साफ ठीक तो अब बताओ ये वाली वैल्यू अगर ज्यादा है इससे तो इनका जो रेशियो होगा वो वन से ज्यादा होगा ना है कि नहीं ठीक है मैं इस ई वन को नीचे कर रहा हूं तो आप बताओ डेफो ईक्वलेंट अपॉन ईवन इज ग्रेटर देन वन ना देखो इसको नीचे कर दो और ये वाली वैल्यू वन से बड़ी होगी ना क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है ठीक चलो तो आप बताओ ई ईक्वलेंट अपॉन ईवन इज ग्रेटर देन ईवन मतलब ई e ईक्वलेंट ज ग्रेटर देन ईवन चलो भाई ये एक कंक्लूजन निकल गया कि आपका इक्वलेंट ई एम एफ ई से तो ज्यादा होगा ठीक नाउ अब देखो मैं फिर से एक और काम कर रहा हूं है ना ध्यान देना इधर देखो अब मैं फिर से लिख रहा हूं ई e इक्वलेंट का एक्सप्रेशन ई इक्वलेंट इक्वल टू वॉट ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू ठीक अब एक काम करते हैं यहां से इस बार में ई टू कॉमन ले रहा हूं मैं ई टू ठीक है देखो ई इक्वल एंड ईक्वल टू यहां से कॉमन लो ई टू तो यहां पर क्या आएगा ई वन बाय आर वन प्लस वन अपॉन आर टू अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू आएगा ये ठीक है अब देखो ध्यान से यहां पर इधर देखो यहां पर अच्छा ई वन बाय ई टू एक सेकेंड यहां पर हां ई वन बाय ई टू अपॉन आर वन ठीक है तो यहां देखो मैंने ई टू कॉमन लिया तो यहां तो वन आएगा लेकिन e1 के अपॉन में e2 आएगा ना ठीक है अब देखो क्वेश्चन में क्या आगे है कि e2 की वैल्यू ज्यादा है e1 से मतलब e1 कम है ना e2 से अब e1 कम है e2 से मतलब ये वाली वैल्यू ये देखो ये वाली वैल्यू लेस देन वन होगी ना है कि नहीं तो ये बताओ ये लेस देन वन है ठीक है मतलब वन से छोटी वैल्यू है ना ये ठीक है अब देखो वन अपॉन आर टू वन अपॉन आर टू सेम है आपका यहां पर वन अपॉन आर वन है और यहां पर वन से छोटी वैल्यू अपॉन आर वन है मतलब ये वाली वैल्यू ये वाला फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन से छोटा है ना तो ये छोटा है इससे तो ऑब्वियस ही बात है ये पूरा फ्रैक्शन ये पूरा न्यूमरेटर इस पूरे न्यूमिरेटर से क्या होगा छोटा होगा है कि नहीं तो ये न्यूमिरेटर इससे छोटा है मतलब ये जो फ्रैक्शन होगा वो लेस देन वन होगा ना है कि नहीं तो यहां पर हम क्या बोलेंगे देखो इधर देखो इस साइड आप बताओ डियर फोर हम ये बोलेंगे ना कि e ईक्वलेंट इसको नीचे करो ई टू ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है है कि नहीं तो हम बोलेंगे ई क्यू अपॉन ई टू इज लेस देन वन ना है कि नहीं ये वाली वैल्यू, वैल्यू वन से छोटी है क्योंकि इसका न्यूवरेटा छोटा है ठीक है तो अब बताओ यहां से क्या समझ में आया कि ईक्वलेंट इज लेस देन ई टू ओके तो क्या कंक्लूजन निकला कि जो ई e इक्वलेंट है वो ई वन से बड़ा है लेकिन ई टू से छोटा है मतलब ईक्वलेंट e जो है वो ई वन और ई टू के बीच में वैल्यू आ रही है ना है कि नहीं तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या डेयर फोर ई वन से बड़ा होगा आपका ईक्वलेंट e लेकिन ई टू से छोटा होगा है कि नहीं ये कहानी होगी इज इट क्लियर तो यहां पर आप इक्वेलेंट ई एम का जब एक्सप्रेशन लिखेंगे वहां से आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा इज इट क्लियर ठीक है तो यहां पर आंसर कौन सा आएगा द ऑफ द टू सेल इज बिटवीन ई वन एंड ई टू डेट इज इक्वेलेंट इज ग्रेटर देन ई वन एंड लेस देन ई टू इज क्लियर तो ए इज द राइट आंसर क्लियर ठीक है तो एक काम करें पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ठीक है चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में अ रेजिस्टेंस आर इज टू बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर ब्रिज स्टूडेंट चूजेस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस हंड्रेड ओम ठीक है अपन को मीटर ब्रिज के थ्रू अपन को मालूम है ना कि मीटर ब्रिज से क्या निकालते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जाती है ठीक है चलो तो एक है आर उसको करना है. उसके लिए एक बच्चे ने क्या किया एस की वैल्यू हंड्रेड ओम चूज की ठीक है नल पॉइंट एट एलवन इक्वल टू टू पॉइंट नाइन सेंटीमीटर नल पॉइंट कितने पे आया 2.9 सेंटीमीटर पे आया ठीक है ही इज टोल्ड टू अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एक्यूरेसी उसको कहा गया कि यहां पर थोड़ा सा और एक्यूरेसी लाओ ठीक है कि नहीं है ओके ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल वे ठीक है तो कौन सा तरीका उसको फॉलो करना होगा ताकि ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आए आर की तो देखो ही शुड मेजर एलवन मोर एक्यूरेटली भाई वो तो एक्यूरेटली मेजर किया होगा उसमें उसके ऐसा नहीं है कि उसको और अच्छे से देखो तो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा आर का। ऐसा नहीं है ठीक है तो ये तो नहीं है ठीक है है ना दिस इज तो 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 आपका ये तो आपका तो ये ये एक ह्यूमन एरर हो गया पॉसिबल नहीं है उसको कुछ और इंप्रूव करना होगा ठीक है चलो एक काम करते हैं पहले अपन इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं वहां से समझते हैं कि क्या कार्यक्रम होना चाहिए ठीक है आओ देखो ध्यान देना आप लोग अगर बात करें मीटर ब्रिज में तो आपका मीटर ब्रिज अगर बैलेंस होता है है ना तो हम कहते हैं कि एडजेसेंट रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए ठीक है ओके यहां पर ब्रिज बैलेंस है ना ब्रिज बैलेंस है ठीक है क्योंकि नल पॉइंट वहां पर मिला है मतलब ब्रिज बैलेंस है ठीक है तो आप बताओ हम कहेंगे ना ऐसा आर अपॉन एस इज इक्वल टू वन बाय हंड्रेड माइनस वन अब तुम बोलोगे सर ये रेशियो कैसे ले लिया आपने तो यहां देख लो इधर देखो ये आपका है मान लो पॉइंट ए ये आपका पॉइंट सी ये आपका ये भी पॉइंट सी ठीक है ये आपका पॉइंट बी है ना और अब देखो यहां पर ठीक है अब देखो यहां पर ये पॉइंट सी है ये तीनों पॉइंट सेम है यहां से एक जॉकी लेकर के ये पॉइंट अचीव किया उसने टू पॉइंट नाइन सेंटीमीटर पे ठीक तो ये पूरा जो लेंथ होता है ना वो हंड्रेड सेंटीमीटर होता है कितना होता है हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है अब देखो ध्यान से यहां पर इधर देखो यहां पर ये वाली वैल्यू जो है ये है जो कि निकालना है और यह वाली जो वैल्यू है ना वो एस है जो कि दिया गया है आपको ठीक अब देखो यहां पर सुनो यहां पर ये बैलेंसिंग पॉइंट है मतलब अगर ये बैलेंस है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा तो ये अगर 2.9 है तो ये कितना होगा 100 माइनस टू होगा होगा ना ऐसा है कि नहीं तो तुम बताओ ये आपका एल वन है तो ये कितना होगा हंड्रेड माइनस एल वन होगा ठीक है तो यहां पर देखो आर अपॉन एस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस ठीक है और वैसे मीटर ब्रिज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसको आप लोग देख सकते हैं है ना तो वहां से आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा मीटर ब्रिज की कहानी ठीक है चलो अब देखो यहां पर अब यहां पर आर अपॉन एस देखते हैं तो ये देखो आर अपॉन एस इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी है तो L1 की वैल्यू कितनी है टू पॉइंट नाइन ठीक है अपॉन हंड्रेड माइनस एलवन मतलब हंड्रेड माइनस टू पॉइंट नाइन ठीक है तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी तो टू पॉइंट नाइन अपॉन हंड्रेड माइनस टू पॉइंट नाइन तो हो गया नाइनटी एट 98 मतलब 97.1, ठीक अब मेरी बात को सुनना अगर आप चाहते हो कि अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आए वो ज्यादा एक्यूरेट आए तो उसके लिए जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है है ना वो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नियर टू मिडिल होना चाहिए मतलब 50 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए 40 हो जाए 60 हो जाए उसके करीब होना चाहिए यहां तो 2.9 सेंटीमीटर है है कि नहीं तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर यह कॉन्सेप्ट होता है मीटर ब्रिज का नल डिफ्लेक्शन होना चाहिए नियर टू तो मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर ठीक है अब देखो यहां पर अभी बताओ यह रेशियो करीब करीब कितनी आएगी वन अपॉन थर्टी थ्री के आसपास आएगी नियर अबाउट है ना इसको ने थ्री मान लिया इसको अपने 99 मान लिया अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं तो ये नियर अबाउट ऐसा बोल दो ये नियर अबाउट वन अपॉन थर्टी थ्री आएगी मान लिया मैंने ऐसा ठीक है अब देखो अगर मैं बोलूं कि अगर ये l1 और हंड्रेड माइनस एलवन दोनों अगर मिड ये अगर मिड में होता तो आपका l1 और हंड्रेड माइनस एलवन लगभग लगभग सेम होती अगर मिड के आसपास होता ठीक है तो लगभग लगभग आपका L1 और 100 माइनस एलवन सेम होता है कि नहीं तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से ये दोनों वैल्यू अगर लगभग लगभग सेम है ठीक है तो आप बताओ फॉर L1 अपॉन हंड्रेड माइनस एलवन नियरलीक्वल टू वन एस टू वन ये करने के लिए वन एस टू थर्टी थ्री को वन एस टू वन करने के लिए आपको एस को रिड्यूस करना होगा ना आपको एस को रिड्यूस करना होगा ना आप बताओ एस की वैल्यू थर्टी थ्री एक्स होगी है ना आप देख सकते हैं यहां पर कि एस की वैल्यू थर्टी थ्री टाइम्स होगी आर के मुकाबले तो हमें क्या करना है इस रेशियो को वन इज टू वन करना है नियरली तो उसके लिए मुझे एस को रिड्यूस करना होगा तो फॉर डैट यहां पर रेशियो वन इज टू वन करने के लिए वी हैव टू रिड्यूस एस तो आप बताओ उस बच्चे ने क्या किया था एस की वैल्यू ली थी हंड्रेड हो और तब नल डिफ्लेक्शन आया था टू पॉइंट नाइन पे मतलब वो नियर टू मिडल नहीं था वो तो बहुत कम वैल्यू थी तो उसको क्या करना होगा एस को रिड्यूस करना होगा तब जाके नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नियर टू मिडल पॉइंट आएगा है कि नहीं तो एस की वैल्यू को हंड्रेड से कम करना होगा तब जाके जो आर की वैल्यू आएगी वो ज्यादा एक्यूरेट आएगी है कि नहीं तो यहां पर बताओ ऑप्शन देखते हैं देखो यहां पर ऑप्शन देखते हैं ही शुड चेंज एस टू थाउजेंड ना ना ना। एस को तो रिड्यूस करना है ठीक है यहां पर बढ़ाना नहीं है ठीक है तो ये ऑप्शन भी नहीं है ही शुड चेंज एस टू थ्री ओम यस एस को कम कर दो है कि नहीं तो आप कम करोगे तो आप यहां पर ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू पाओगे ठीक तो सी इज द राइट ऑप्शन इज इट क्लियर ठीक है चलो तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन एक काम करें इसको जरा कॉपी कर लें आप लोग चलें अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो टू सेल्स ऑफ ई एम एफ अप्रोक्सीमेटली फाइव वोल्ट टेन वोल्ट आर टू बी एक्यूरेटली कंपेयर्ड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ फोर हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है यहां पर अपन को दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है जिसका ईएमएफ है फाइव वोल्ट एंड टेन वोल्ट ठीक है मतलब जो सेकेंडरी सर्किट होता है पोटेंशियोमीटर का उसमें फाइव वोल्ट और टेन वोल्ट का सेल कनेक्ट करेंगे हम ठीक है नाउ अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए देखो द बैटरी डेट रन द पोटेंशियोमीटर शुड हैव वोल्टेज ऑफ एट वोल्ट ना जो बैटरी यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर को रन करने के लिए उसका वोल्टेज सेकेंडरी सर्किट के जो ईएमएफ होते हैं उनसे ज्यादा होना चाहिए देखो आपको जिनको कंपेयर करना है उनका वोल्टेज फाइव और टेन है ना ठीक है तो आपका जो बैटरी जो पोटेंशियोमीटर को रन करे उसका वोल्टेज दस वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए बैटरी का वोल्टेज जो पोटेंशियोमीटर को रन करेगा तो यह वाला तो सही आंसर नहीं है ठीक नाउ द बैटरी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन हैव अ वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट यस एंड आर एडजस्टेड सो डैट द पोटेंशियोमीटर सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर स्लाइटली एक्सीड 10 वोल्ट यह बिल्कुल सही है देखो पोटेंशियोमीटर वायर का जो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो भी हल्का ज्यादा होना चाहिए किससे सेकेंडरी सर्किट के जो सेल्स के वोल्टेजेस है ना उनसे ज्यादा होना चाहिए स्लाइटली ज्यादा ताकि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट अपन को मिल पाए उस वायर के अंदर ठीक तो पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, है ना उसकी वैल्यू भी आपके जो ईएमएफ लगे हुए हैं सेकेंडरी सर्किट में उससे ज्यादा होना चाहिए तो आपका टेन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए है ना इस तरीके से अपन को रेजिस्टेंस की वैल्यू एडजस्ट करनी होगी ठीक है ओके तो यह वाला बिल्कुल सही है है कि नहीं एक बार अपन ऑप्शन और पढ़ लेते हैं सी भी द फर्स्ट पोर्शन ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर ऑफ वायर इट सेल्फ शुड हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ टेन वोल्ट मतलब जो आपका पहला पोर्शन है पोटेंशियोमीटर वायर का है ना पचास सेंटीमीटर तक उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए टेन वोल्ट के बराबर नहीं ऐसा नहीं है पूरे वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो हल्का ज्यादा होना चाहिए किससे आपके सेकेंडरी सर्किट के जो सेल लगे हुए हैं उनके ईएमएफ से ठीक ओके तो ये सही नहीं है इतना ठीक है पोटेंशियोमीटर इज यूजुअली यूज फॉर कंपेयरिंग रेजिस्टेंस एंड नॉट वोल्टेजेस यहां पर जो पोटेंशियोमीटर है वो वोल्टेजेस मेजर करने में काम आता है और ये बोल रहा है कि वोल्टेजेस मेजर करने में काम नहीं आता तो ये भी रॉन्ग है है ना तो ये तीनों रॉन्ग मतलब आंसर एस बीज क्लियर ठीक है चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर नाउ अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है वो देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोल रहा है अ मेटल रॉड

मैक्सिमम वेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस इंटू दिस फेसेस है कि नहीं या फिर मैक्सिमम वेन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस टेन इंटू वन सेंटीमीटर फेसेस मैक्सिमम वेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस टेन इंटू वन बाय टू सेंटीमीटर सेम इेस्पेक्टिव ऑफ द थ्री फेसेस मतलब देखो ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि यहां पर जो तीन ऑप्शन है उसमें यही बोल रहा है ना कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा ठीक है जब आपका बैटरी कनेक्ट होगा इस वाले फेस के क्रॉस या इस वाले फेस के क्रोस? या फिर आपका किसी भी फेस के क्रॉस आप लगा लो बैटरी रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो मेरी बात को सुनना रेजिस्टेंस पे असर पड़ेगा है ना आपका डिपेंड करता है कि आपने किस फेसेस के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है तो डिपेंड तो करता है कि किस फेसेस पे आपने बैटरी कनेक्ट की है मतलब ये जो बोल रहा है सेम इस्पेक्टिव ऑफ थ्री फेसेस है ना ये तो नहीं होगा ठीक है सेम नहीं होता कोई भी कर, किसी भी अक्रॉस अगर आप लगा लो आ, बैटरी आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं रहती चेंज होती है ठीक है तो अपन एक काम करते हैं लेता हूं मैं वो आपका मेटल रॉड ठीक है ओके ध्यान देना ये देखो ये ले रहा हूं मैं एक मेटल रॉड ये आपका मेटल रॉड ठीक ओके इसका लेंथ कितना है टेन सेंटीमीटर है लेंथ ठीक इसका जो ब्रेथ है एक काम कर रहे हैं अपन ये वन सेंटीमीटर मान लेते हैं और ये वन बाई टू सेंटीमीटर मान लेते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है ठीक अब एक काम कर रहे हैं अपन यहां पर मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं ठीक है डिफरेंट फेसिस बैटरी कनेक्ट करने के बाद ठीक है तो ये देखो अब मैं पहला केस ले रहा हूं पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं ये देखो मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं वन इंटू वन बाय टू के क्रॉस ठीक है ये देखो पहला ऑप्शन देखते हैं सही है कि नहीं देखो तुम बताओ बैटरी इसके अक्रॉस कनेक्ट कर रहा हूं मैं ठीक तो ऑब्वियस ही बात है जब इसका रेजिस्टेंस निकालोगे तो उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका लोगे ये वाला होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना और लेंथ कितना होगा टेन सेंटीमीटर ठीक है तो आप बताओ R इक्वल टू क्या होगा रो मान लो इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी L L कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू टेन की पावर माइनस टू अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये कितना होगा 1 इंटू वन बाय टू इंटू टेन की पावर माइनस फोर ये भी आपका सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में है तो दोनों को कन्वर्ट किया मीटर में है ना इसका एरिया होगा ना लेंथ इंटू ब्रेथ ठीक चलो अब बताओ कितना आएगा आंसर ये टू ऊपर इंटू हो गया ये कैंसिल हो गया माइनस टू ठीक है ये टू ऊपर इंटू हो गया ट्वेंटी रो और ये ऊपर इंटू हो गया टेन की पावर टू तो ये कितना हो गया टू थाउजेंड रो ठीक क्लियर नाउ अब देखते हैं बी ऑप्शन अब बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है वो बैटरी कनेक्ट की गई है टेन इंटू वन के क्रॉस ठीक है अब देखो यहां पर बी ऑप्शन यहां देखते हैं फिर से लिया मैंने वो रॉड ये वन इंटू वन बाय टू और ये आपका टेन ठीक है बैटरी कनेक्ट की गई किसके क्रॉस टेन इंटू टेन इंटू वन ओके देखो ध्यान से यहां पर टेन इंटू वन मतलब यहां पर क्या बोल रहा है ये जो दस सेंटीमीटर है वो और जो आपका वन सेंटीमीटर है वन तो यहां देखो ऐसे ऐसे है कि नहीं टेन इंटू वन मतलब दस और वन वो आपका क्रॉस सेक्शन होना चाहिए आपका है कि नहीं तो ये यह देखो यहां से ये यह आपका ब्रेथ हो गया ये देखो ये टेन और ये आपका वन देख रहे आपको ये टेन इंटू वन टेन इंटू वन और ये आपका टेन इंटू वन ठीक तो यहां देखो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा तो आप बताओ रो अब लेंथ किसको लेंगे आप बताओ आपने कनेक्ट किया है बैटरी को टेन इंटू वन के क्रॉस तो ये देखो ये आपका लेंथ है, है ना तो ये टेन और ये आपका वन तो जो आपका लेंथ होगा ये इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा दैट इज वन बाय टू वो होगा ना लेंथ है कि नहीं तुम तो ये बताओ आप यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको ये आपका टेन और ये आपका वन ठीक है तो ये हो गया आपका टेन इंटू वन क्रॉस सेक्शन ठीक है और ये भी आपका टेन इंटू वन क्रॉस सेक्शन और उनके बीच का जो सेपरेशन है वन बाई टू डेट इज दिस वैल्यू ये क्या हो जाएगा उसका लेंथ है ना तो जिसके एक्रॉस हम बैटरी कनेक्ट करते हैं है ना उनके बीच का जो सेपरेशन होता है दैट इज लेंथ यहां भी देखो हमने इनके अक्रॉस कनेक्ट किया है तो इनके बीच में जो लेंथ होगा that is L ना, तो यहां पर वो दस सेंटीमीटर था ठीक है यहां पर देखो हमने उस तरफ वाला फेस और इस तरफ वाला फेस इनके बीच में हमने बैटरी कनेक्ट किए, ठीक तो यहां पर लेंथ हो जाएगा वन 2, टू इंटू टेन की पावर माइनस टू अपॉन एरिया मतलब क्या जहां पर आपने बैटरी कनेक्ट दैट इज टेन इंटू वन तो टेन इंटू वन इंटू टेन की पावर माइनस फोर ठीक ओके तो अब बताओ कितना आंसर आएगा यहां पर आ जाएगा ये कैंसिल टेन की पावर माइनस टू ठीक है तो आप बताओ रो अपॉन टेन इंटू टेन की पावर माइनस टू टेन की पावर माइनस वन और ये अपॉन में टू तो ये बताओ टेन रो बाय टू एस फाइव रो ना है कि नहीं ठीक है वैसे पूरे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है अपन को आप बताओ आर इक्वल टू रो एल ए होता है ना ठीक है तो अगर एल मैक्सिमम हुआ और एरिया मिनिमम हुआ तो आपका आर मैक्सिमम होगा ना ठीक है आप बताओ आर इक्वल टू रो एल ए होता है कि नहीं मतलब आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन एल एंड आर इनवर्सली डिपेंड ऑन ए तो आप बताओ अगर हम ये पहला केस देखें तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम है कि नहीं और लेंथ मैक्सिमम है कि नहीं तो ऑब्वियस ही बात है यहां का रेजिस्टेंस क्या होगा मैक्सिमम होगा आप यहां देख लो यहां पर एरिया क्या है ज्यादा है टेन इंटू वन एरिया यहां पर और लेंथ बहुत कम है वन बाई टू ठीक है तो यहां पर रेजिस्टेंस यार कमी होगा ना इसके मुकाबले तो है कि नहीं और दूसरा ऑप्शन भी देख लो आप लोग दूसरा मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सी ऑप्शन मैक्सिमम व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस टेन इन टू वन बाई टू तो आप बताओ इसका भी एरिया ज्यादा हो गया ना इसके एरिया के मुकाबले तो एरिया अगर ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना मतलब जो ऑप्शन ए है उसी में आपका एरिया मिनिमम होगा जिसके क्रॉस बैटरी कनेक्ट करते हैं उसी का लेते एरिया तो इन तीनों में देखोगे आप तो एरिया इसका मिनिमम होगा ना और इसमें लेंथ भी ज्यादा है तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा मैक्सिमम होगा है कि नहीं तो वैसे तो मैं निकाल के दे रहा था आपको मैं लेकिन अगर आप नॉर्मल सोचो तो भी आप आंसर टेक कर सकते हो है कि नहीं तो ए इज द राइट आंसर है ना और अगर तुम चाहो तो हमने मैंने ये दोनों का तो निकाल ही दिया है आप टेन इंटू वन बाई टू के क्रॉस बैटरी कनेक्ट करना तो एरिया कितना हो जाएगा ये और टेन इंटू वन बाय टू जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा वन सेंटीमीटर है कि नहीं ठीक है तो यहां पर अगर तुम निकालोगे भी सी के लिए तो आर इक्वल टू कितना आएगा रो लेंथ कितना होगा इनके अलावा जो साइड बचा हुआ है वन सेंटीमीटर वो होगा इस क्रॉस सेक्शन के बीच का डिस्टेंस तो ये हो जाएगा वन इंटू टेन की पावर माइनस टू मीटर में कन्वर्ट किया और एरिया कितना होगा टेन इंटू वन बाय टू इंटू टेन की पावर माइनस फोर मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने अब बताओ कितना हो जाएगा फाइव तो आर इक्वल टू रो ये कितना होगा टेन की पावर माइनस टू ये ऊपर गया टेन की पावर टू अपॉन फाइव तो सौ बाय पांच बीस ट्वेंटी रो है कि नहीं तो इसका कितना आ रहा है ट्वेंटी रो इसका कितना है फाइव रो और पहले वाले कितना है टू थाउजेंड रो तो ऑब्वियसली बात है ए ऑप्शन का मैक्सिमम रेजिस्टेंस है है ना ठीक है तो यहां पर ऑप्शन ए ज राइट आंसर इज इलियर ठीक है चलो तो अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करेंट इन अंडक्टर इनमें से कौन सा है जो करंट डिटरमाइन करता है कंडक्टर में तो देखो ऑप्शन क्या है ड्रिफ्ट फिलोस डी एलोन थर्मल वेलोसिटी अलोन, बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी या नाइदर ड्रिफ्ट नॉर थर्मल वेलोसिटी। तो सिंपल आई इक्वल टू बताओ एक्सप्रेशन क्या होता है एन ई ए वी डी ठीक तो आप बताओ करंट सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करता है ना थर्मल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता थर्मल विलॉसिटी क्या होता है थर्मल विलॉसिटी होता है थर्मल विलोसिटी वो विलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की जब हमने कोई सोर्स कनेक्ट नहीं किया है है कि नहीं और ये बताओ अगर सोर्स कनेक्ट नहीं किया है ठीक है तो क्या उसमें करंट फ्लो होता है नहीं जबकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं है ना ड्यू टू थर्मल मतलब ड्यू टू हीट ड्यू टू इंटरनल हीट लेकिन उसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं है कि नहीं तो थर्मल वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता करंट में तो सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है डेट क्लियर ठीक है तो ये सिंपल आपका इंफॉर्मेटरी बेस्ड क्वेश्चन था ये चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर सेवन से शुरू होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा मतलब मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस होंगे तो सेवन से लेके आपका इलेवन तक वहां पर आपको हर ऑप्शन को चेक करना होगा क्योंकि एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं तो शुरू करें चलो देखो ध्यान से यहां पर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर सेवन में देखो क्रिच जंक्शन रूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ठीक है किच जंक्शन रूल जो होता है ना ये क्रिच करंट लॉ होता है इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि, कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट एग्जिट होगा उतना ही करंट एंटर होता है है कि नहीं मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग एट एनी जंक्शन द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट एग्जिट अ जंक्शन देखो जैसे मान लो मैंने कहा ये जंक्शन है यहां पर मान लो ये दो करंट एग्जिट हो रहे हैं आई वन आई टू ठीक है और मान लो यहां पर दो करंट ठीक है दो करंट एंटर हो रहे हैं आई थ्री एंड आई फोर तो हम क्या बोलेंगे टोटल करंट एग्जिट अ जंक्शन इक्वल टू तो टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन तो आप बताओ बोल सकते हैं क्या आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर होगा कि नहीं होगा ठीक है तो ये होता है आपका सिंपल जंक्शन रूल ठीक है अब ये बोल रहा है जंक्शन रूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करेंट डेंसिटी वेक्टर, नहीं ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ठीक है तो अगर आपने किर्च जंक्शन रूल मतलब किर्च करंट करेंट लॉ अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो ऐसा क्यों होता है जर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस क्यों है देखो हम क्यों कह रहे हैं ऐसा देखो ये रूल क्या बोल रहा है कि जितना करंट आपका एग्जिट होगा ठीक है उतना ही करंट आपका एंटर होगा किसी भी जंक्शन पे अब जरा सोचो इसका रिवर्स सोचना देखो तुम बताओ अगर करंट एग्जिट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होगा ना बिकॉज करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा होगा ठीक ओके अब बताओ इलेक्ट्रॉन यहां पर जंक्शन पे आ रहा है मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए क्रिएट लेकिन ऐसा नहीं होता ना क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट भी कर जाते हैं देखो यह वाला करंट एंटर हो रहा है मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिट होगा ठीक है तो आप देखो जितना करंट एग्जिट हो रहा है उतना ही करंट एंटर होता है डेट मींस जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट कर रहे हैं मतलब किसी भी जंक्शन पे एट एनी इंस्टेंट कोई भी चार्ज का एकोमलेशन नहीं होगा ठीक है मतलब किसी भी इंस्टेंट पर जो नेट चार्ज है वो हमेशा जीरो बना रहेगा है कि नहीं ठीक है तो यहां पर आपका जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा ना मतलब किसी भी जंक्शन पे अलग से चार्ज क्रिएट नहीं होगा क्लियर तो ये बेस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी जंक्शन पे आपका चार्ज एक्मलेट नहीं होता है क्लियर ठीक है तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये तो ऑप्शन है सही ठीक है अब क्योंकि ये मोर देन वन करेक्ट है तो सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे अपन को ठीक है द फैक्ट दैट मोमेंटम विथ विच चार्ज पार्टिकल अप्रोचेस अ जंक्शन इज अनचेंज एज द चार्ज पार्टिकल लीव द जंक्शन ठीक है मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर क्या बोल रहा है द फैक्ट दैट मोमेंटम विथ विच अ चार्ज पार्टिकल अप्रोचेस अ जंक्शन मतलब जिस मोमेंटम से आपका चार्ज पार्टिकल अप्रोच करता है जंक्शन को इज अनचेंज एज द चार्ज पार्टिकल लीव द जंक्शन मतलब मोमेंटम की वैल्यू यहां पर क्या होगी सेम होगी है ना ठीक है देखो यहां पर ध्यान से सुना मेरी बात को उसने क्या बोला द फैक्ट दैट मोमेंटम विथ विच अ चार्ज पार्टिकल अप्रोचेस अ जंक्शन मतलब जिस मोमेंटम से चार्ज पार्टिकल जंक्शन की तरफ अप्रोच करेगा वो अनचेंज है एज द चार्ज पार्टिकल लीव द जंक्शन मतलब जितने मोमेंटम से चार्ज पार्टिकल जंक्शन को लीव कर रहा है उतने ही मोमेंटम से चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा ठीक है तो ऐसा नहीं है, है ना यहां पर वेरिएशन हो सकता है ठीक है जिस मोमेंटम से आपका चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा जरूरी नहीं है कि उसी मोमेंटम से आपका चार्ज पार्टिकल लीव करे ठीक है क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी में हम कहें कि आपका जो इनिशियल मोमेंटम था और जो फाइनल मोमेंटम है वो सेम हो ये जरूरी नहीं है ठीक है चलो मतलब ये सी ऑप्शन सही नहीं है नाउ डी ऑप्शन द फैक्ट दैट देयर इज नो एक्मलेन ऑफ चार्जेस एट अ जंक्शन ये तो मैंने कहा भी था आपसे कि किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी जंक्शन पे कोई चार्ज का एकोमलेशन नहीं होता है मतलब कहीं पर भी चार्ज इकट्ठा नहीं होगा ठीक है मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है देर इज नो एकोमोलेशन ऑफ चार्ज मतलब डी इज अ राइट आंसर ठीक है तो आंसर हो गया आपका बी एंड डी इज इट क्लियर ठीक है तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो ध्यान दे से क्वेश्चन नंबर एट कंसिडर अ सिंपल सर्किट शोन इन फिगर दिस स्टैंड फॉर ये जो आपका सिंबल है ये क्या स्टैंड कर रहे हैं स्टैंड फॉर अ वेरिएबल रेजिस्टेंस आर डैश ठीक है मतलब ये जो है जिसका रेजिस्टेंस आर डैश है ये वेरिएबल रेजिस्टर है मतलब इनके रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं ठीक है आर डैश कैन वैरी फ्रॉम आर नॉट टू इन्फिनिटी आरडैश की जो वैल्यू है उसको वैरी कर सकते हैं फ्रॉम आर नॉट टू इंफिनिटी तक ठीक है, ये जो आपका है ये इस बैटरी स्मॉल का आर का है ठीक है नाउ जिसमें जो स्मॉल आर है वो बहुत छोटा है किस्से कैपिटल आर से और वो कैपिटल आर बहुत छोटा है किस्से आर नॉट से अब जरा सोचो कि आरडैश की वैल्यू आर नॉट से इंफिनिटी तक है मतलब आरडैश की इनिशियल वैल्यू आर नॉट है और उससे भी बहुत छोटा है कौन ये आर और उससे भी बहुत छोटा है कौन ये स्मॉल आर मतलब देखा जाए तो इसमें ये वाला जो आर है ये बहुत छोटा है ना इस आरडैश से है कि नहीं ठीक है और इससे बहुत छोटा ये स्मॉल आर है कि नहीं ठीक है चलो ये आपका क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम गिवन है ठीक है ना अब वो क्या बोल रहा है यहां पर चार ऑप्शन है और आपको हर एक ऑप्शन को देखना होगा कि कौन सही कौन गलत है। ठीक है देखो पोटेंशियल ड्रॉप ए बी इज नियरली कॉन्स्टेंट एज आर डैश इज वैरिड मतलब ये बोल रहा है कि ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नियरली कांस्टेंट रहेगा भले आप आर डैश को कितना भी वैरी कर दो ठीक है चलो तो एक काम करते हैं अपन यहां पर इस ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं ठीक है अब देखो ध्यान से सुनो तुम ये बताओ अगर मुझे एबी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा पहले इनका इक्वल निकालूंगा मैं ठीक है आओ ये काम करता हूं मैं आपके नेक्स्ट पेज में देखो ध्यान से हां अब ध्यान देना आप लोग यहां पर देखो ये है आपका सर्किट ए बी ठीक है ये आपका बैटरी है ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ठीक है इसका वोल्टेज कितना बोल रहा है वो वी ठीक है वोल्टेज वी ये आपका R और यह इसके पारल में कौन है यह R- डैश है अच्छा यह वेरिएबल है ठीक है यह वेरिएबल है ओके अब देखो अभी एक काम करते हैं इसकी वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर R- डैश मान लेते हैं ठीक है चलो तो बताना मैं इसका इक्वलेंट जानना चाहता हूं तो देखो ध्यान से यहां पर इसका इक्वलेंट मान लो R इक्वलेंट डैश है ये ठीक है तो आप बताओ R इक्वल डैश कितना हो जाएगा क्या ये हो जाएगा दोनों का पैरल कॉम्बिनेशन दोनों का इंटू अपॉन दोनों का न, ये शॉर्टकट होता है ठीक है वैसे होता है है ना तो उसी में अगर तुम एलसीएम लोगे ना और रेसिप्रोकल करोगे ना तो क्या आएगा उसका शॉर्टकट क्या आ जाएगा दोनों का इंटू अपॉन दोनों का सम ठीक है चलो ये हो गया आपका पैरल कॉम्बिनेशन का इक्वेलेंट ठीक अब देखो ध्यान सुनो इन दोनों का इक्वेलेंट हो गया R इक्वेल डैश ठीक है ये आपका A और B अभी भी मेंटेन रहेगा ये आपका बैटरी ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R, ये V, और ये करंट I, ठीक अब बताओ इसका जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन जो है वो इसके साथ सीरीज हो गया ना मतलब इस कॉम्बिनेशन में ये आई अमाउंट ऑफ करंटी फ्लो करेगा ना ठीक है तो अब बताओ ये आई की वैल्यू कितनी होगी यहां पर तो आई इज इक्वल टू व्हाट सिंपल वी अपॉन दिस प्लस दिस ना मतलब आर प्लस आर इक्वल इन डैश होगा ये ठीक है चलो अब देखो यहां पर ध्यान से V अपॉन ये काम करो ये I की वैल्यू मिल गई अपन को ठीक है तो अब बताओ A और B के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा वोल्टेज A B इज इक्वल टू वॉट I इंटू आर इक्वल एंड डैश ओम्स लॉ से I इंटू आर हो जाएगा उसका वोल्टेज ओके अब रखो I की वैल्यू V अपॉन आर प्लस आर इक्वल एंड डैश इन टू आर इक्वल एंड डैश ठीक अब मैं आर इक्वल एंड डैश की वैल्यू पुट कर रहा हूं ठीक है ध्यान देना इधर देखो v अपॉन आर प्लस इसकी वैल्यू कितनी हुई आर इंटू आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश इंटू अब इसकी वैल्यू कितनी वही आर इन टू आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश ठीक अब देखो यहां पर एलसीएम लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा ठीक है तो इतना कैलकुलेशन तो आप लोग जानते हो तो ये बताओ वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू वट ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया V इन टू आर प्लस आर डैश अपॉन ये हो जाएगा आपके पास स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस आर आर डैश ठीक है या एक काम करते हैं इंडिविजुअल इंटू ना करके सीधे इकट्ठा इंटू कर दें क्या ठीक है देखो यहां पर तो बताओ क्या हो जाएगा ये आर इंटू आर प्लस आर डैश और प्लस आर आर डैश इंटू क्या चल रहा है आर आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश ये कैंसिल आउट हो गया ना ठीक है अब देखो यहां पर मैं कुछ एजमशन करने वाला हूं देखो वी इन टू आर आर डैश अपॉन आर इंटू आर प्लस आर डैश प्लस आर इंटू आर डैश ठीक है अब तुम बताओ ये जो आपका आर डैश है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ना एज कंपेयर टू आर तो अगर हम देखें जब इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो क्या कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या एक बताओ एक बहुत बड़ी वैल्यू है और एक बहुत छोटी वैल्यू है तो दोनों का जब एडिशन करेंगे तो वही बड़ी वैल्यू के बराबर ही नियरली आएगी तो ये बताओ इन दोनों का एडिशन हो रहा है इसमें ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है तो कंपैरिजन बेसिस पर हम इस छोटे वाले वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं ना है, है कि नहीं हमेशा कोई छोटी वैल्यू जब होती है बहुत छोटी वैल्यू तो कंपैरिजन बेसिस पर क्या हो जाएगा वो इग्नोर हो जाएगा है कि नहीं तो आप बताओ सिंस आर इज मच लेस देन आर डैश देर फोर आर प्लस आर डैश इज नियरली आर डैश बोल सकता हूं कि नहीं इसमें तुम ये छोटी वैल्यू ऐड भी कर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा यार ठीक है चलो अब देखो यहां पर मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं आर डैश से ये इग्नोर मत कर देना जो एडिशन में होता है ठीक है उसको इग्नोर करते हैं हम लोग देखो वी ए बी इज इक्वल टू ये हो गया आपका वी इन टू आर आर डैश अपॉन ये इग्नोर हो गया आपका तो क्या हो जाएगा आर डैश आर आर डैश प्लस आर आर डैश तो अब बताओ वी आर आर डैश अपॉन आर डैश कॉमन तो आर प्लस आर हो जाएगा ये आर डैश कैंसिल तो अब बताओ जो ए बी के क्रॉस वोल्टेज आ रही है वो नियरली ये जो वैल्यू आएगी वो नियरली आएगी ना क्योंकि हमने यहां पर कुछ एजमशन किया है ठीक है तो ये नियरली आ जाएगी वैल्यू नियरली वैल्यू ठीक है कितनी आ रही है V अपॉन आर प्लस आर और अब बताओ देख के ये जो एबी के क्रॉस वोल्टेज है क्या इसमें डैश दिख रहा है आपको नहीं ना इसका मतलब डैश को भले आप चेंज करते जाओ एबी के क्रॉस वोल्टेज में ज्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो डैश पे डिपेंड नियरली कर ही नहीं रहा है देखो यहां पर आरडैश है ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे वी ए बी डज नॉट डिपेंड ऑन आर डर डैश मतलब वी ए बी रिमेन नियरली कॉन्स्टेंट वेन आर डैश वैरिड है कि नहीं ठीक है तो यहां पर देखो यहां पर जो ऑप्शन है ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज नियरली कॉन्स्टेंट एज आर डैश इज वैरिड यहां पर ये नियरली कॉन्स्टेंट क्यों बोला क्योंकि हमने एजमशन करके देखा कि एबी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ आर डैश है मतलब वो नियरली कांस्टेंट होगा लगभग लगभग कांस्टेंट होगा ठीक है ये तो हो गया आपका ए ऑप्शन ये सही है नाउ अब देखते हैं करेंट थ्रू आर डैश इज कांस्टेंट एज आर डैश इज वे ओके मतलब अब मुझे यहां पर इसके अक्रॉस करंट निकालना होगा ठीक है और देखना होगा कि वो करंट क्या डिपेंड कर रहा है आर डैश पे और अगर डिपेंड कर रहा है तो आपका वो आई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी है कि नहीं और अगर नहीं डिपेंड कर रहा है तो कांस्टेंट होगी ठीक चलो आओ देखते हैं यहां पर इधर देखो मुझे इसमें अब करंट निकालना है ठीक है मान लो इसमें करंट है आई डैश और टोटल करंट हम निकाल चुके हैं ना आई ठीक तो यहां पर मैं आईडैश की वैल्यू निकालूंगा बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल ठीक है देखो कैसे अगर आपको इसका करंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है देखो ध्यान से आपको अगर आईडैश निकालना है मैं फिर से बना रहा हूं सर्किट ये स्मॉल r ये कैपिटल R और ये आरडैश ठीक है ये आपको I डैश निकालना है और ये I आपको पता है ठीक चलो अब देखो ध्यान से यहां पर अगर आपको I डैश निकालना है तो करंट डिवीजन रूल से आप निकाल सकते हो कैसे देखो इसका करंट होगा इसका रेजिस्टेंस R अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल करंट ये फॉर्मूला होता है देखो आप ये बताओ इस पॉइंट पे आके ये वाला करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना ठीक है मतलब ये टोटल करंट होगा ठीक है तो क्या होता है दो पैरेलल पाथ में अगर आपको करंट निकालना है तो जिसका करंट निकाल रहे हो वो वाला करंट किसके बराबर होगा दूसरा वाला रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल करंट ये वाला करंट ये होता है करंट डिवीजन रूल ठीक ना अब देखो यहां पर यहां पर भी आप आर डैश और आर इनका सम है तो अगर एजमशन करें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग चलो एक काम करते हैं बाद में इग्नोर करेंगे पहले लिख लेते हैं आप बताओ टोटल करंट का एक्सप्रेशन क्या निकाला था मैंने ये देखो V अपॉन यहां पर V अपॉन R प्लस आर इक्वल डैश ठीक है V अपॉन आर प्लस आर इक्वल एंड डैश ठीक है अब देखो आर अपॉन आर प्लस आर डैश वैसा का वैसा वी अपॉन आर प्लस आर इक्वल एंड डैश ये था ना आपका आर आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश है कि नहीं ठीक है अब देखो यहां पर यहां से अगर मैं एजम्शन कर लूं यहां पर ठीक तो आप बताओ इसको हम आर डैश मान सकते हैं कि नहीं और इसको भी आर डैश मान सकते हैं कि नहीं तो देखो ध्यान से यहां पर इधर देखो I डैश इक्वल टू आर अपॉन अगर मैं इसको R को इग्नोर करूं तो R डैश हो जाएगा ये इंटू वी अपॉन आप देखो यहां पर यहां पर भी स्मॉल R प्लस यहां पर ये आर आर डैश होल अपॉन अब देखो समेशन में ये इग्नोर हो गया आर डैश तो ये कैंसिल हो गया ना तो आप बताओ यहां पर क्या रिजल्ट आएगा वी आर अपॉन आर डैश इंटू आर प्लस आर ना मतलब यहां पर जो करंट है वो आर डैश पर डिपेंड कर रहा है मतलब अगर आर डैश को वैरी करोगे मतलब इंक्रीज करोगे तो आपका करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा है कि नहीं ठीक है मतलब यहां पर जो बी ऑप्शन बोला था उसने कि करंट थ्रू आर डैश क्या नियरली कांस्टेंट होगा जब आर वैरी करेंगे आर डैश वैरी करेंगे नहीं वो कांस्टेंट नहीं रहेगा है ना क्योंकि करंट डिपेंड कर रहा है आर डैश के ऊपर इसलिए तो आपका यह ऑप्शन तो नहीं होगा सही ऐसे क्लियर ठीक है नाउ करंट आई डिपेंड्स सेंसिटिवली ऑन आर डैश देखो जो current है आई वो क्या आर डैश पर डिपेंड कर रहा है देखो यहां पर ध्यान सुनो आप देखो ये जो आपका यहां पर आई की वैल्यू है वो वी अपॉन R आर प्लस आर इक्वल डैश है ना ठीक है आओ देखो यहां से यहां पर देखो जो आपका करंट था आई वो क्या है वी अपॉन आर प्लस आर आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश है कि नहीं ठीक तो आप बताओ ये बोल रहा है टोटल करंट की बात कर रहा है वो तो ये था ना आपका वी अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट डैश और आर इक्वलेंट डैश को ये लिखते हैं ना देखो ये था आपका टोटल करंट ये और आर इक्वल डैश को ये लिखते हैं ना हम लोग ठीक है अब बताओ अगर मैं इग्नोर करूं यहां पर आर को इग्नोर करता हूं तो आप बताओ आई इक्वल टू तो वी अपॉन आर प्लस आर आर डैश अपॉन ये इग्नोर हो गया आर डैश ये कैंसिल हो गया ना आपका ठीक तो आप बताओ आई इक्वल टू तो वी अपॉन आर प्लस आर हुआ ना ठीक तो ये बताओ क्या करंट डिपेंड कर रहा है आर डैश के ऊपर नहीं कर रहा मतलब ये जो टोटल करंट है वो आर डैश पर डिपेंड नहीं कर रहा है है कि नहीं लेकिन यहां पर ऑप्शन क्या बोल रहा है करंट आई डिपेंड्स ऑन आर सॉरी ऑन आर डैश लेकिन वहां पर डिपेंडेंसी शो नहीं हो रही है मतलब ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग होगा ठीक नाउ अब वो क्या बोल रहा है आई की वैल्यू मतलब टोटल करंट की वैल्यू वी अपॉन आर प्लस आर से हमेशा बड़ी होगी या उसके बराबर होगी तो आप बताओ देख के, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया था ना अभी कि आई की वैल्यू वी अपॉन आर प्लस आर तो होगी मतलब इक्वल टू वाला जस्टिफाई हो गया है कि आई की वैल्यू वी अपॉन आर प्लस आर होगी अब देखते हैं मैं प्रूफ करता हूं कि I की वैल्यू V अपॉन आर प्लस आर से ज्यादा भी हो सकती है देखो सुनो ध्यान से इधर देखो तुम ये बताओ यहां पर देखो ये तो प्रूव हो गया ना आई की वैल्यू V अपॉन आर प्लस आर होगी इक्वल टू तो होगा ठीक अब जरा सोच के बताना यहां पर देखो ध्यान से ये जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो ये है ना आई इज इक्वल टू v upon r प्लस r r डैश upon r प्लस r डैश ठीक है ना अब देखो यहां पर ध्यान से इधर देखो पहले क्या हो रहा था पहले क्या हो रहा था कि यहां पर ध्यान देना आप लोग आपका पहले आपका सिंपल आर यहां पर आर था अब इसके एक्स्ट्रा में क्या आ गया है आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश आ गया है ना ठीक तो ध्यान देना इधर देखो मतलब इस आर के एक्स्ट्रा में ये आ गया है तो आप बताओ ये वाली वैल्यू आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश क्या ये वाली वैल्यू लेस देन वन होगी देखो इसका न्यूमरेटर कम होगा ना डिनोमिनेटर क्या होगा ज्यादा भाई ऑब्वियस ही बात है आर प्लस आर डैश आर डैश से क्या होगा ज्यादा होगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी वन से कम होगी और अगर वन से कम वैल्यू अगर इसमें इनटू होगी तो ये वैल्यू और कम आएगी ना तो ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ठीक तो अब बताओ पहले ये आर था है ना और अगर हम इग्नोरेंस वाला फंडा ना लगाएं तो यह वाला जो टर्म है वो और कम आएगा है कि नहीं तो यह वाली वैल्यू और डिक्रीज हो गई मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया डिक्रीज हो गया इसका डिनोमिनेटर जो है वो इससे कम है मतलब ये ओवरऑल भी क्या होगा डिक्रीज होगा ये भी डिक्रीज होगा है कि नहीं तो अगर ओवरऑल डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा इसके मुकाबले मतलब इसका करंट ज्यादा होगा ना इसके मुकाबले क्योंकि आई इनवर्स है कि नहीं इसके ऊपर तो ओवरऑल डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो रहा है अगर वो एजम्सन ना करे तो ठीक है तो आपका जो आई की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी ना इस वाले से है कि नहीं मतलब यहां पर जस्टिफाई हो गया कि i की वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या फिर इससे बड़ी आएगी है कि नहीं ठीक है मतलब मैंने यह कहा कि अगर एजम्शन करते हैं कि r सॉरी r डैश की वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे स्मॉल सॉरी कैपिटल हार से तो अगर कैपिटल आर की वैल्यू बहुत कम है आडा से तो आर को हम इग्नोर कर रहे थे तो अगर इग्नोरेंस किया तो करंट की वैल्यू एग्जैक्टली अपॉन आर प्लस आर आ रही है और अगर इग्नोरेंस नहीं करते हैं तो इससे ज्यादा वैल्यू आएगी ना करंट की क्योंकि अगर इग्नोरेंस नहीं करते हैं तो इससे कम डिनोमिनेटर होगा ना इसका मतलब इसका करंट ज्यादा होगा ठीक मतलब यहां पर ये प्रूव हो गया कौन सा ऑप्शन भी ऑप्शन डी कि आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर ऑलवेज ठीक मतलब डी इज अ राइट आंसर है ना तो ये हो गया आपका ए एंड डी ठीक है तो एक काम करें आप लोग पहले ये कॉपी कर लें फिर ये कॉपी कर लें। ठीक है चलो अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर नाइन देखो टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी रो टी मतलब रो डिपेंड ऑन टेम्परेचर उसकी बात कर रहा है कि मतलब टेंपरेचर पे रेजिस्टिविटी कैसा डिपेंड करता है उसकी बात कर रहा है वो ऑफ सेमी कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड मेटल्स इज सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स मतलब जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है रेजिस्टिविटी का वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा करेगा सेमी कंडक्टर इंसुलेटर और मेटल्स में ठीक है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन चेंज विथ टेम्परेचर टी ठीक है मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होगा अच्छा देखो कहां होता है ऐसा कि जब टेम्परेचर चेंज करते हैं मतलब मान लो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो चार्ज कैरियर क्या चेंज होता है यस yes, होता है इन सेमी कंडक्टर ठीक है सेमी कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ता है वहां पर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं बन को तो ये सही है है कि नहीं तो आप बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ेगा है कि नहीं तो वहां पर उसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा मतलब चार्ज करियर बढ़ेगा तो उसका रजिस्टिविटी कम हो जाएगा ना है ना मतलब यहां पर साफ दिख रहा है कि हां आपका टेम्परेचर को चेंज करने से नंबर ऑफ चार्ज करियर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी पे असर पड़ेगा ठीक है सेमी कंडक्टर में मतलब ये ए ऑप्शन सही है है कि नहीं लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं होता मेटल्स में ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका नंबर ऑफ चार्ज के लिए बढ़ जाएगा ऐसा मेटल में नहीं होता ये होता है सेमी कंडक्टर में लेकिन यहां पर तीनों की बात कर रहा है ना सेमी कंडक्टर इंसुलेटर मेटल तीनों की बात कर रहा है वो ठीक है चलो अब देखो बी ऑप्शन टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कैन डिपेंड ऑन टी यस देखो एक एक्सप्रेशन होता है कंडक्टर के लिए देखो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एनई स्क्वायर टाउ ठीक अब देखो क्या होता है कि टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोल्यूजन ठीक है तो जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो ये जो टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिशन एट टाउ वो डिक्रीज होता है तो अगर ये डिक्रीज होगा तो आपका रो इंक्रीज होगा ना है कि नहीं यस yes, मतलब ये कि टेम्परेचर को चेंज करने से आपका ये टाउ पे असर आता है मतलब रेजिस्टिविटी पे भी असर आएगा ठीक मतलब ऑप्शन बी ये भी सही बोल रहा है वो ठीक नाउ सी लेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी फंक्शन ऑफ टी ठीक है देखो अगर हम देखें कि लीनियर एक्सपेंशन सरफेस एक्सपेंशन हम उनकी बात करें अगर तो टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ चेंज होता है है कि नहीं लेकिन वहां पर रेजिस्टिविटी का असर आ जाए उस पर असर नहीं आएगा क्योंकि रेजिस्टिविटी तो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है ना मटेरियल के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है कि नहीं तो यहां पर टेम्परेचर चेंज करने से मटेरियल का लेंथ चेंज होगा लेकिन उससे रजिस्टिविटी थोड़ी ना चेंज होगा और यहां तो रजिस्टिविटी की बात कर रहा है ना वो तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है ठीक नाउ मास ऑफ करियर इज अ फंक्शन ऑफ टी भाई चार्ज करियर का मास चेंज हो जाए टेम्परेचर के साथ ये तो पॉसिबल ही नहीं है मास कैसे चेंज हो जाएगा आपका तो ये सही नहीं है ठीक है मतलब आंसर होगा ए एंड बी, क्लियर ठीक है नाउ तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर नाइन अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो टेंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो ध्यान से द मेजरमेंट ऑफ एन अनोन रेजिस्टेंस आर इज टू बी कैरिड आउट यूजिंग व्हीट स्टोन ब्रिज ठीक है सी फिगर एनसीआरटी बुक जो भी है, है ना एनसीआरटी बुक का कोई आपका ये फिगर है तो ये फिगर बना हुआ है ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है ये अननोन है है ना? इसको आप आर मानोगे यहां पर आर फोर है लेकिन ये आर मानोगे आप इसको ठीक है चलो अब देखो टू स्टूडेंट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन टू वेज द फर्स्ट स्टूडेंट टेक्स आर टू इक्वल टू टेन ओम एंड आर वन इक्वल टू फाइव ओम ठीक है जो पहला बच्चा है ना उसने क्या किया आर टू की वैल्यू कितनी ली टेन ओम और R1 की वैल्यू कितनी ली 5 ओम ठीक है R2 कितना लिया उसने 10 ओम और R1 कितना लिया उसने 5 ओम ठीक है ये पहले स्टूडेंट की बात है ठीक है नाउ फिर उसके बाद द अदर स्टूडेंट टेक्स R2 टू इक्वल टू थाउजेंड ओम एंड आर वन इक्वल टू फाइव हंड्रेड ओम ठीक है जो दूसरा बच्चा है उसने R2 कितना लिया वन थाउजेंड ओम और वन कितना लिया 500 हंड्रेड ओम ठीक ओके नाउ, इन द स्टैंडर्ड आम बोथ टेक R3 थ्री टू फाइव ओम ठीक है ये जो स्टैंडर्ड आम है इसमें R3 थ्री की वैल्यू 5 ओम लिया दोनों स्टूडेंट ने ठीक है तो R3 थ्री की वैल्यू कितनी है 5 ओम मतलब ये चेंज नहीं करना मतलब ये चेंज किसी बच्चे ने नहीं किया ठीक है अब देखो बोथ फाइंड आर इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन इंटू आर थ्री टू टेन ओम विद इन एर ठीक है मतलब दोनों स्टूडेंट ने उस अनोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की और वो कितनी आई टेन ओम आई एक बार अपन भी देख लें टेन ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा ठीक है तो एक काम करते हैं अब मैं अलग पेज भी जाता हूं मैं और यहां पर दोनों स्टूडेंट के लिए आर की वैल्यू देखता हूं टेन ओम आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक है देखो ध्यान से ये देखो ये आपका है पहले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं फॉर स्टूडेंट वन ऐसा मान लो फॉर स्टूडेंट वन ये आपका है ए पॉइंट ये आपका आर वन है ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है आर और ये आपका देखो ये आर टू और ये आर थ्री क्लियर ठीक है अब देखो यहां पर आर वन की वैल्यू क्या लिया उसने पहले बच्चे ने टेन ओम और आर वन कितना लिया है फाइव ओम ठीक है ये आपका आर वन है ये आर टू है ओके आर टू है ये टेन ओम और ये आर वन है ये फाइव ओम ठीक और R3 तो 5 ओम है दोनों के लिए ठीक है अब बताओ ये वीस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस है तभी आप निकाल पाओगे अनोन की वैल्यू ये तो आपको बता होगा और अगर बैलेंस होता है तो हम क्या कहते हैं आर टू अपॉन आर इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर थ्री है, है कि नहीं तभी तो आर की वैल्यू क्या होगी आर टू बाय आर वन इंटू आर थ्री होगा ना आपका आर ठीक चलो अब वैल्यू पुट करते हैं आर टू की वैल्यू कितनी टेन ओम आर वन कितना फाइव और आर थ्री भी फाइव तो आप बताओ ये कैंसिल आउट हो गया आर की वैल्यू कितनी टेन ओम ठीक है नाउ अब अगर दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं तो फॉर स्टूडेंट टू फॉर स्टूडेंट टू देखो यहां पर यह आपका आर टू कितना आर टू है अच्छा दूसरे स्टूडेंट ने आर टू की वैल्यू कितनी ली है वन थाउजेंड ओम और आर वन कितना लिया है फाइव हंड्रेड ओम आर निकाला गया है और आर थ्री तो इसने भी पांच ही ओम लिया है ठीक अब बताओ यह आपका ब्रिज बैलेंस है तो हम क्या बोलेंगे आर टू बाय आर इक्वल टू फाइव हंड्रेड या चलो पहले लिख लेता हूं मैं आर वन बाई आर थ्री तो यहां से भी देखो आप तो आर की वैल्यू कितनी होगी आर टू बाई आर वन इन टू आर थ्री आप बताओ आर टू कितना वन थाउजेंड अपॉन फाइव हंड्रेड इन टू आर थ्री कितना फाइव तो आप बताओ ये कितना हो गया टू टू फाइव सा कितना हो गया टेन ठीक ओके okay. मतलब दोनों ने R2 टू और R1 वन की वैल्यू अलग अलग चूज की लेकिन फिर भी अनोन रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आई है ठीक है ऐसा है यहां पर ठीक है अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोलना चाह रहा है देखो द एरर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू स्टूडेंट्स आर द सेम मतलब दोनों स्टूडेंट का जो एरर होगा वो सेम होगा देखो भाई कोई सा भी मेजरमेंट हो कोई सा भी एक्सपेरिमेंट हो एरर ना हो ये पॉसिबल नहीं है है ना कहीं एरर ज्यादा होता है कहीं एरर कम होता है लेकिन एरर होगा अब देखो दोनों ने अलग अलग R2 और R1 वन चूज किया है तो जो एरर्स की वैल्यू होंगी वो अलग अलग होंगी ना इसमें क्या बोल रहा है सेम होगा एरर नहीं ऐसा नहीं है ठीक है ये जरूरी नहीं है कि सेम एरर हो ठीक है चलो ओके एरर्स ऑफ मेजरमेंट डू डिपेंड ऑन द एक्सी विथ विच आर टू एंड आर वन कैन बी मेजर्ड यह जो एर ऑफ मेजरमेंट है यह डिपेंड करता है ठीक है कि आर टू और आर वन आपने क्या चूज किया है यस yes, बिल्कुल सही है यह डिपेंड करता है उसके ऊपर देखो क्या होता है जब भी अपन अनोन रजिस्टेंस फाइंड करते हैं ना विंडस्टोन ब्रेस से तो सारे रेजिस्टर्स है ना कंपेरेबल वैल्यूज के होने चाहिए कंपेरेबल का मतलब सेम ऑर्डर का होना चाहिए सारी वैल्यूज ठीक है लेकिन यहां पर क्या था जो दूसरा बच्चा था ना स्टूडेंट टू ये देखो इसने क्या किया आर थ्री की वैल्यू फाइव है और जो आर की वैल्यू आई है वो टेन आई है लेकिन जो आर टू और आर वन चूज किया है ना वो बहुत हाई चूज किया है ना उसने तुम बताओ इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यूज में बहुत डिफरेंस है ना ठीक है मतलब यहां पर चारों रजिस्टर्स एक सेम ऑर्डर का बोले ठीक है मतलब नियर अबाउट सेम वैल्यूज की बात करें या आसपास वैल्यूज की बात करें तो वो नहीं है ना इसमें लेकिन यहां देखो टेन फाइव फाइव ये भी टेन आया ये आपका नियरली बिल्कुल सेम ऑर्डर के है ना वैल्यूज तो अगर चारों रजिस्टर्स सेम ऑर्डर के होते हैं तो एरर बहुत कम होता है, है कि नहीं ठीक है मतलब यहां पर ये जो बोल रहा है कि एरर ऑफ मेजरमेंट डू डिपेंड ऑन एक्यूरेसी विथ विच आर टू एंड आर वन कैन बी मेजर्ड ये सही है इस पर डिपेंड करता है आपका बिल्कुल ठीक है तो ये बी इज द करेक्ट आंसर है ना मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है इसके लिए ओके नाउ सी देखते हैं इफ स्टूडेंट यूजेस लार्ज वैल्यू ऑफ आर टू एंड आर वन द करेंट थ्रू द आर्म्स विल बी फीबल शन ऑफ नल पॉइंट एक्ूरेटली मोर डिफिकल्ट बिल्कुल सही बोल रहा है ये देखो क्या होता है अगर हम R2 और R1 की वैल्यू बहुत बड़ी लेते हैं जैसे वो सेकेंड वाले स्टूडेंट ने किया था तो वहां पर क्या होता है करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है और बहुत कम ठीक है इट बिकम फीबल बहुत कम हो जाती है और उसकी वजह से नल पॉइंट जो है ना वो एक्यूरेटली मिल नहीं पाती है आपको मालूम है ना नल पॉइंट मिलेगा तभी तो हम कहेंगे कि भैया ब्रिज बैलेंस है, है कि नहीं तो ज्यादा बड़ी वैल्यू चूज करना सही नहीं होता है उससे करंट की वैल्यू फेबल होगी है कि नहीं तो ये बिल्कुल सही है सी ऑप्शन इज द राइट स्टेटमेंट ठीक है नाउ डी क्या बोल रहे हैं वीड ब्रिज इज अ वेरी इज अ वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड हैज नो एरर्स ऑफ मेजरमेंट नहीं ऐसा नहीं होता कि एरर्स हो ही ना एरर्स तो होगा ठीक है मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो यहां पर आंसर क्या होगा बी एंड सी होगा इज इट क्लियर ठीक है चलो तो अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यू चलो देखो क्वेश्चन नंबर इलेवन में क्या बोल रहा है इन मीटर ब्रिज द पॉइंट डी इज अ न्यूट्रल पॉइंट ठीक है पॉइंट डी जो है वो आपका न्यूट्रल पॉइंट है ओके okay? मतलब नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है ठीक है अब देखो यहां पर क्वेश्चन में मतलब स्टेटमेंट्स क्या-क्या बोल रहा है हर स्टेटमेंट को चेक करना होगा अपन को द मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट्स फॉर दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंसेस बिल्कुल सही कह रहा है वो देखो अगर कोई पर्टिकुलर आर है कोई पर्टिकुलर एस है तो आपके इस वायर में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जहां पर नल डिफ्लेक्शन मिलेगा ऐसा नहीं है कि और भी कोई पॉइंट्स होंगे जहां पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल जाए तो फॉर अ गिवन सेट ऑफ रेजिस्टर्स देयर विल बी ओनली वन नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है कि नहीं तो यस बिल्कुल सही है कि भैया मीटर ब्रिज में कोई और न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा एक ही होता बिल्कुल सही है ठीक है मतलब ए इज द राइट स्टेटमेंट ठीक है नाउ वेन द जॉकी कॉन्टैक्ट अपॉइंट ऑन मीटर वायर लेफ्ट ऑफ डी करंट फ्लोज टू बी फ्रॉम द वायर देखो अगर जॉकी को हम इस डी के लेफ्ट में कहीं टच करेंगे तो आपका करंट जो है वो वायर में से बी में जाएगा ऐसा बोल रहा है चलो एक काम करते हैं यहां पर बी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेक करते हैं आओ देखो अगर ये पॉइंट डी को तुम लेफ्ट में आप टच करते हो मान लो यहां पर करते हो डी वन मान लो ये आपने टच किया डी वन ठीक है तो अब मालूम क्या होगा पहले क्या था ए और बी के क्रॉस का वोल्टेज और ए और डी के क्रॉस का वोल्टेज सेम था तभी तो आपका बी और डी का वोल्टेज सेम था तुम तो बताओ अगर हम पॉइंट डी की बात करें तो ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट क्यों था क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं था गैल्वेनोमीटर में है ना और क्यों नहीं था गैल्वेनोमीटर में करंट बिकॉज इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम था क्योंकि ए और बी के क्रॉस का वोल्टेज ठीक है और A और डी के क्रॉस का वोल्टेज सेम हो गया था तो आप बताओ ए ए कैंसिल माइनस वी बी इक्वल टू माइनस मतलब वीबी इक्वल टू है कि नहीं इसीलिए ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट था ठीक है लेकिन जब इसको तुम लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे ठीक है तो यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो ऐसा करने से व्हेन वी शिफ्ट जॉकी लेफ्ट ऑफ डी ठीक है से एट डी वन उस केस में ए और बी के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा ए और डी वन के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के मुकाबले है ना मतलब यहां पर आप जब नॉर्मल एक वीड ब्रिज बनाओगे ना ठीक है और वहां पर जब इसका तुम करंट निकालोगे मतलब जब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे और जब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे तो वहां पर यह पाओगे ए बी के क्रॉस का वोल्टेज और ए डी वन के क्रॉस का वोल्टेज में ए बी वाला वोल्टेज ज्यादा है है कि नहीं तो ये देखो वी ए माइनस वी बी इज ग्रेटर देन वी ए माइनस वी डी वन है कि नहीं ठीक है तो ऐसा कैलकुलेशन करने पे आएगा तो इस बात को ध्यान रख लो कि अगर कोई जॉकी को अगर आप नियर टू किसी एंड लेके जाते हो ठीक है के लिए तो अगर वहां पर लेंथ कम हो रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा हा है ना ठीक है तो जिस तरफ शिफ्ट करेंगे उस तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा है ना एज कंपेयर टू ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है चलो तो आप देखो वी ए वी ए कैंसिल माइनस वी बी ग्रेटर देन माइनस वी डी वन तो अगर मैं माइनस कैंसिल आउट करूंगा तो इनिक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना तो वी बी इज लेस देन वी डी वन तो आप बताओ बी का वोल्टेज डी वन से कम हो गया मतलब ये बोले कि डी वन का पोटेंशियल हाई है और बी का पोटेंशियल लो है और जिसका पोटेंशियल हाई होता है वहीं से करंट जाता है ना लो पोटेंशियल की तरफ ठीक है तो आप बताओ D1 का पोटेंशियल ज्यादा है मतलब करंट फ्लो करेगा D1 से लेके B तक ना मतलब वायर से पॉइंट B तक तो हम क्या बोलेंगे यहां पर देयर फोर फोर करंट फ्लो फ्रॉम वायर मतलब फ्रॉम डी वन टू बी है कि नहीं मतलब डी वन मतलब वायर वायर से बी की तरफ सही है ठीक है मतलब यहां पर जो ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है ठीक नाउ अब देखते हैं जो आपका ऑप्शन थ्री है मतलब थर्ड स्टेटमेंट वन द जॉकी कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द मीटर वायर टू द राइट ऑफ डी ठीक है डी के राइट में अगर शिफ्ट करते हैं करंट फ्लोस फ्रॉम बी टू द वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर ठीक है अब देखो अगर पॉइंट डी के राइट में शिफ्ट करते हो अपने जॉकी को ठीक है तो अब कानून क्या हो जाएगा उसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा बी के मुकाबले क्योंकि यहां पर लेंथ ऑफ ये वायर बढ़ गया आपका तो इसका यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू ए बी है ना तो देखो यहां पर ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं नेक्स्ट में मान लो हमने शिफ्ट करके D2 कर दिया D2 पे शिफ्ट कर दिया हमने ठीक है तो अब हम क्या बोलेंगे A और D2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ज्यादा होगा ए बी के क्रॉस वोल्टेज के ठीक है तो आप बताओ देखो ध्यान से यहां पर इधर देखो तो बताओ मैं क्या बोलूंगा ऑप्शन सी के लिए वेन वी शिफ्ट जॉकी टू राइट ऑफ डी राइट ऑफ डी ठीक है देन से डी वन सॉरी डी टू देन वी ए माइनस वी डी टू मतलब ए और डी टू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के तो आप बताओ वी ए कैंसल माइनस वी डी टू इज ग्रेटर देन माइनस वी बी मतलब माइनस कैंसिल तो इन रिवर्स वी डी टू इज लेस देन वी बी है कि नहीं तो आप बताओ यहां पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कम होगा ना इसके मुकाबले तो इस बार बी का पोटेंशियल ज्यादा हो गया और तुम बताओ अगर B का पोटेंशियल ज्यादा हो गया D2 के मुकाबले तो करंट B से फ्लो करेगा ना वायर में थ्रू दिस गैल्वनोमीटर मतलब सही है ठीक है मतलब स्टेटमेंट C भी सही है इजेट क्लियर ठीक है नाउ अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन D व्हेन R इज इंक्रीज द न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टू लेफ्ट अब देखो ध्यान से ये बोल रहा है कि अगर हम आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो लेफ्ट के तरफ शिफ्ट होगा ऐसा बोल रहा है ना वो लेकिन अब ध्यान देना आप लोग यहां पर देखो तुम ये बताओ यहीं पर मैं कर देता हूं यहीं से आप सोच सकते हो ऑप्शन डी के बारे में देखो तुम बताओ अभी ये बैलेंस है कि नहीं तो आर अपॉन एस इक्वल टू ये वाला लेंथ आप मान लो एलवन तो ये कितना होगा हंड्रेड माइनस ठीक अब देखो तो अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो हम क्या बोलेंगे आर अपॉन एस इक्वल टू इक्वल टू क्या होगा L1 अपॉन हंड्रेड माइनस ठीक ये बैलेंस कंडीशन में है अब बताओ अगर आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपका L1 की वैल्यू बढ़नी चाहिए ना क्योंकि फिर से अगर न्यूट्रलिटी गेन करनी है रेशियो को सेम रखना है तो आपका आर अगर बढ़ रहा है तो एलवन को ही बढ़ाना होगा और एलवन को बढ़ाने का मतलब न्यूट्रल पॉइंट राइट में शिफ्ट होना चाहिए ना भैया ये एलवन है यह एलवन है तो एलवन को बढ़ाना है मतलब राइट right में शिफ्ट होगा आपका न्यूट्रल पॉइंट है कि नहीं लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है लेफ्ट में शिफ्ट होगा मतलब यह स्टेटमेंट सही नहीं है है कि नहीं तो यहां पर आप बोल दो एफ आर इंक्रीजेस देन एल वन ऑल्सो इंक्रीजेस दे आर फोर न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टूअर्ड राइट टूवर्ड राइट ऐसी कहानी है ठीक ये चीज है लेकिन वो लेफ्ट को बोल रहा है मतलब ये गलत स्टेटमेंट है तो आंसर क्या हुआ ए बी एंड सी क्लियर ठीक है तो एक काम करें इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग चलें तो यहां पर अपना खत्म होता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है मैगनेट ब्रींस डॉट कॉम पर जाना है वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है ठीक है अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है ठीक है जैसे मान लो आप सेलेक्ट करते हो क्लास ट्वेल्व फिजिक्स एग्जाम जैसे क्लिक करोगे आपको चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उसको क्लिक करें ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा सो सिंपल ठीक है चलें तो बस अंत में यही कहूँगा मैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इससे नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक like ज़रूर करें एंड अगर आप चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब जल्दी करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए थैंक यू